सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि तो भाई आज अपने सामने खड़ी है ऑल न्यू RN5 V4 व्हाइट कलर में। यार भाई, मैं काफी समय से सोचता था कि अपनी RN5 यार व्हाइट कलर में कब देखने को मिलेगी, और दोस्तों फाइनली अब व्हाइट कलर में आ गई है। और सबसे मेन बात, अपने को व्हाइट कलर सिर्फ V4 में मिलेगा। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये अपना V4 मॉडल है। और सबसे पहले अपन प्राइस की बात कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट ऑन रोड हमारी सिटी में 2,24,000 रुपये की पड़ रही है। बाकी तो हर सिटी में प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो रहती है। अभी दोस्तों मैं उज्जैन में हूँ, रतलाम मोटर्स पर। और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी यार दोस्तों, व्हाइट कलर देख कर ना भाई मज़ा सा आ गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और व्हाइट कलर के ऊपर ना दोस्तों, ये ऑरेंज कलर के अलॉय व्हील्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, और गोल्डन कलर के फोक्स आप देख सकते हो, काफ़ी मस्त लग रहे हैं। बाकी तो दोस्तों, व्हाइट कलर के अलावा तो RN5 में ऐसा कुछ मेजर अपडेट नहीं आया है। बाकी कॉमेंट्स में आप जो बताना कि आपको व्हाइट कलर कैसा क्या लगा। और फेयरिंग पे ना दोस्तों, यहाँ पर ग्रे और ऑरेंज कलर का स्टिकर भी लगा रखा है। और टैंक पर आप अपना यामा का लोगो तो देख ही सकते हो। ओवरऑल ना दोस्तों, गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले दोस्तों मेरा फेवरेट कलर RN5 का रेड कलर था, पर अब इसको देखने के बाद भाई अब व्हाइट कलर अपना फेवरेट हो गया है। बाकी अपन इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखें तो आपको फुल LED का सेटअप मिलता है। LED में अपना प्रोजेक्टर है, और अपने को DIL भी मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है, और आपको थ्रो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। बाकी यहाँ पर अपन वाइजर देखें ना, तो इतना थोड़ा ब्लैक टिंटेड है, तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसे कुछ अपने को साइड मिरर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर अपनी नंबर प्लेट लग जाएगी। और अपन कलर देखें ना, तो अच्छा शाइन मार रहा है, और मतलब इसकी पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ का अपन नीचे सिस्टम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें अपने को सिंगल हॉर्न मिलता है, और यहाँ पर अपने को पूरी फाइबर बॉडी देखने को मिलती है। पूरी गाड़ी में अपने को फाइबर बॉडी ही आती है। और अपन ब्रेकिंग की बात करें तो आपको पता ही है कि यामा में ब्रेकिंग इतनी अच्छी मिलती है अपने को। आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं, डुअल चैनल ABS आ जाता है। बाकी अपन टायर साइज देखें फ्रंट की, तो ये है अपनी 100/80 R17 17 इंच के आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। और वैसे अपने को सस्पेंशन का सेटअप भी गाड़ी में अच्छा मिल जाता है। फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, और रियर में आपको लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन आ जाते हैं। और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अपन देखें तो वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और यहाँ पर आपको दिक्कत लग सकती है क्योंकि इसमें हेलोजन इंडिकेटर ही आ रहा है। अगर ये LED में आ जाता तो और मज़ा आ जाता। बाकी ओवरऑल आप गाड़ी का साइड लुक देख सकते हो, यार इतनी मतलब गजब की लग रही है। और गाइस, गाड़ी की चाबी आप देख सकते हो, इसी कुछ अपने को साथ में दो चाबियां मिल जाती है। और अब अपन इसका क्लस्टर देख लेते हैं, तो अपने को पहले जैसा ही देखने को मिलता है, जैसा पहले V4 में आता था ना, अभी भी वैसा ही आ रहा है। लगभग आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये शो कर देगा। अपने को इसमें गियर इंडिकेट भी हो जाता है, और अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। और इधर अपन देखें तो अपना किल स्विच है, अपने को हैजार्ड भी गाड़ी में मिल जाता है, और नीचे एक बटन अपना क्लस्टर के लिए दे रखा है। और इधर साइड अपन देखें तो अपना हाई बीम लो बीम पास का स्विच है, इंडिकेटर का है, और अपना हॉर्न का बटन आ जाता है। और दोस्तों, इसमें एक और खास बात अपने को V4 में मिल रही है व्हाइट कलर में, कि अब अपने को इसमें ना क्विक शिफ्टर भी आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसकी सीट भी आप देख सकते हो, अपने को इसमें स्प्लिट सीट आती है। अब देखो, राइडर के लिए तो कम्फर्ट अच्छा रहता है, और पिलियन के लिए तो दोस्तों ठीक ठाक ही कम्फर्ट अपना रहता है, और अपन थोड़ा ऊँचा तो बैठते ही हैं, अपनी स्पोर्ट्स बाइक का तो ऐसे ही सीन रहता है। और इसकी सीटिंग पोजिशन भी मतलब अच्छी खासी रहती है, अपन थोड़ा आगे की तरफ लीन होकर बैठते हैं। और अपनी सीट की हाइट भी ना थोड़ी अच्छी खासी है, मेरी हाइट 5'8" 9" के आसपास है, तो मैं तो पैर वैसे नीचे आराम से रख पाता हूँ। और वैसे हमने RN5 AM चलाई है, तो भाई यार गाड़ी चलाने में तो देखो काफ़ी मज़ा आता है, मतलब यार इसमें सुपर बाइक वाली फील तो आई जाती है। और एक चीज़ अपनी ये रह गई थी कि आपको इसमें मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। और अपन फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो अपने को इसमें 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। और भाई RN5 की एक और ख़ास बात कि अपने को इसमें माइलेज भी अच्छा मिल जाता है, मतलब 45-50 के आसपास तो ये निकाल ही देती है। और अपन और अच्छे से प्यार से चलाएं तो अपने को और अच्छा माइलेज ये दे देती है। बाकी यहाँ सिटी में अपने को 40-45 के आसपास देती है, और अपन हाईवे पर अच्छे प्यार से चलाएं तो अपने को 50 के आसपास भी माइलेज निकाल देती है। अब दोस्तों अपन इसकी बैक प्रोफाइल देखते हैं, तो अपने को LED में टेल लाइट आ जाती है, और अपने इंडिकेटर्स तो हेलोजन में। बाकी यहाँ पर आपको एक हेलोजन लाइट भी मिल जाती है, और अपने को यहाँ पर रिफ्लेक्टर आ जाता है, और यहाँ पर भी दोनों साइड रिफ्लेक्टर आ जाते हैं। यहाँ पर अपना टायर रगर मिल जाता है। और अपन पीछे के टायर का सेक्शन देखें तो अच्छा ब्रॉड टायर है, 140/70 R17 प्रोफाइल आपको इसमें मिल जाती है। अब वैसे अपन इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, जैसे साउंड में तो कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, और इंजन में तो अपना ये डिफरेंस है कि ये अपना BS6 Phase 2 है। प्यारा साउंड यार, कमेंट्स में आप भी जरूर बताना कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। अब भाई अपन इंजन की बात भी कर ही लेते हैं, तो अपने को इसमें 155 cc का लिक्विड कूल इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क। तो ओवरऑल ना दोस्तों, अपने को गाड़ी में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है, गाड़ी को चलाने में अलग ही लेवल का मज़ा आता है।
बहुत ही जल्द आपके साथ इसके राइड इंप्रेशन भी शेयर करेंगे और यही व्हाइट कलर की अपन वीडियो बनाएंगे, काफी मजा आएगा। सो गाइस ये था अपना R15 का व्हाइट कलर, या सच बताऊं तो मुझे काफी खूबसूरत लगा। अब देखो शोरूम पर तो सारे कलर्स काफी अच्छे लगते हैं, पर एक बार ये बाहर भी खड़ी थी तो मैंने बाहर भी देखी थी ना, तो काफी अच्छी लग रही थी। जब भी आप गाड़ी लेकर निकलोगे ना तो भाई लोगों का रिएक्शन काफी तगड़ा आएगा कि R15 व्हाइट कलर में अभी अभी देखने को मिली है। और एक तो इसको देखकर लगता ही नहीं कि 155 सीसी की बाइक है, अच्छी मतलब सुपर बाइक ही है लगती है इसके लुक्स के हिसाब से, और व्हाइट कलर में तो भाई और मजा सा आ गया। बाकी आप भी कमेंट्स में जो बताना कि आपको ये व्हाइट कलर कैसा क्या लगा, और भाई R15 लवर्स कमेंट्स में अटेंडेंस जरूर से लगा देना। बाकी ये बात तो है कि यार R15 का ना इस सेगमेंट में कोई तोड़ी नहीं लगता है, मतलब ये गाड़ी की बात ही अलग है। और वैसे ना अभी गाड़ी ये ऊपर स्टैंड पर खड़ी है, हम यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितना खतरनाक स्टॉक शोरूम के अंदर खड़ा हुआ है, इसलिए भाई थोड़ी जगह ही नहीं थी, इसलिए स्टैंड पर ही अपन ने चलो वीडियो बना ली। फिलहाल दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर से कर देना और चैनल भी भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।